हेलो एवरीवन, सो लो विज़न एड में हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के साथ, तो हम पार्ट टू में देखेंगे हमारा क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लो विज़न एड में, उसका जो हमारा अकॉर्डिंग टू WHO के कैटेगरीज के बारे में हमने बात की थी। देन अब हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे, लाइक किस वजह से हो रहा। इन जनरल इनवर्सिबल डैमेज टू ऑकुलर मीडिया और विजुअल पाथवे ड्यू टू एनी डिजीज एंड एंटिटी मे रिजल्ट इन लो विज़न। द कंडीशन दैट आर मोर फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर आर दी फॉलोज। सो इसमें जो भी हमारी कंडीशन है, लाइक जो ऑकुलर मीडिया को क्या एक तरह से ओपैक कर रही हैं, या फिर जो हमारी आइज़ में जो डिजीज़ हो रही है लाइक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन चिल्ड्रन जो लो विज़न के जो कारण हैं, लाइक कॉजेज जो हैं, वो बच्चों में किन किन वजह से देखने को मिलते हैं, लाइक उनके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट है हमारा इन चिल्ड्रन एल्बिनिज्म। लाइक एल्बिनिज्म में आपने देखा होगा, लाइक जो फेस का और जो हेयर्स का जो कलर चेंजेस जो होता है पेशेंट में। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, लाइक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो हमारी न्यूरॉन लेयर जो होती है उसमें एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है। ट्रॉमा, इन्फेक्शन, पीडियाटिक ग्लैकोमा, एम्ब्लायोपिया। लाइक पीडियाटिक ग्लैकोमा, लाइक बचपन में भी अगर ग्लैकोमा हो जाता है, लेजी आई होती है, फिर निस्टैग्मस होता है, रेटिनोपैथी होती है और प्री मैच्योरिटी। रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी में क्या होता है, जो हमारी रेटना है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाती है। एंड रेटना एंड ऑप्टिक नर्व एबनॉर्मलिटीज, रेटना और हमारे ऑप्टिक नर्व में जो एबनॉर्मलिटीज जो देखने को मिलती हैं, काउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ पेशेंट विजिटिंग LVA क्लिनिकल। सो ये सारी हमारी क्लिनिकल के अंदर एक तरह से विजिट करने पर काउंट होती हैं, लाइक बच्चों में कितने परसेंट लो विज़न देखने को मिलता है। सो इन यंग एडल्ट, अगर हम यंग एडल्ट में बात करें, जो मेन कॉजेज जो है लो विज़न का वो क्या है। अक्रेंस ऑफ लो विज़न इज लेस लाइकली, दे मे बी प्रेजेंट विद दी लेट ऑनसेट कॉन्जिनाइटल रेटनल डिसऑर्डर्स, ऑकुलर इंजरीज, ग्लैकोमा, अल्कोहल, न्यूरोपैथी, टॉक्सिक रेटनोपैथी, लिकोमिक और रेटनोपैथी, मायोपिया, एम्ब्लायोपिया। ओल्ड एज में किस वजह से देखने को मिलता है, हमें अगर ओल्ड एज की बात करें, परमानेंट प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस अकर इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। व्हाइल परसेंटेज वेरी, द मोस्ट कॉमन कंडीशंस आर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, लाइक ARMD, डायबिटिक मैकुलोपैथीज एंड मैकुला एंड रेटनल डिजनरेशन, ग्लैकोमा एंड मायोपिया डिजनरेशन। तो हमारा इन चिल्ड्रन मीन्स बच्चों में अलग देखने को मिलती है, यंग्स में और हमारा ओल्ड में किन वजह से क्या है जो कॉज हो रहा है, लाइक एक तरह से लो विज़न हो रहा है। सो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न की बात करूं, 2008 से ब्लाइंड ड्यू टू आई डिजीज़ 37 मिलियन, जो आँख की बीमारी की वजह से जो ब्लाइंडनेस है लाइक पूरे ग्लोब की अगर मैं बात करूं, तो वो 37 मिलियन है। ब्लाइंड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर 0.8 मिलियन, लाइक रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से जो ब्लाइंडनेस है वो 0.8 मिलियन है। लाइक डिजीज़ में हमारा ग्लैकोमा आ गया, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ARMD, मैकुलर डिजनरेशन, तो ये डिजीज़ हो गई। रिफ्रैक्टिव एरर का मीन्स है यहाँ पे लाइक चश्मे की नंबर की वजह से, लाइक जिनको हाई पावर होता है, प्रॉपर स्पेक्स का यूज़ नहीं करते हैं, देन उस कंडीशन में। अब हम बात करेंगे ब्लाइंड ड्यू टू ऑल कॉजेज लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हमारा जो ब्लाइंडनेस जो देखने को मिलती है सारे कॉजेज लाइक डिजीज़ की वजह से, और दूसरा हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, तो टोटल अगर मैं बात करूँ पूरे ग्लोब की, लाइक जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो निकाला है, 45 मिलियन पेशेंट देखने को मिलते हैं। लो विज़न ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर 1.45 मिलियन, लो विज़न ड्यू टू आई डिजीज 1.124 मिलियन, लो विज़न ड्यू टू ऑल कॉजेज लाइक 269 मिलियन। टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विज़न प्लस ड्यू टू कॉजेज एंड टोटल जो हो गया 314 मिलियन। द 37 मिलियन ब्लाइंडनेस ड्यू टू आई डिजीज एंड द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.4 ईयर्स 1.4 मिलियन, 15 to 49 ईयर्स 5.2 मिलियन एंड 50 ईयर्स एवब 30.3 मिलियन। अगर इसका जो 37 मिलियन जो है लाइक अगर उनको एज के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो 0 से लेके मींस एट द बर्थ टू 14 ईयर जो हमें देखने को मिले 1.4 मिलियन,
15 से 49 ईयर्स तक में 5.2 मिलियन एंड 15 ईयर्स टू अबव 30.3 मिलियन. सो एवरी 5 सेकेंड 1 पर्सन इन अवर वर्ल्ड गोज ब्लाइंड. प्रत्येक 5 सेकेंड में एक पर्सन क्या है हमारे पूरे ग्लोब में एक तरह से ब्लाइंड हो रहा है, या मींस अंधा हो रहा है. एवरी मिनट वन चाइल्ड गोज ब्लाइंड. हर मिनट एक बच्चा अंधा हो रहा है या उसकी रोशनी जा रही है. 7.5 मिलियन विल बी ब्लाइंड ड्यू टू आई डिजीज एज ऑफ विजन 2020. लाइक अगर अब हम ये तो पूरा ग्लोब की बात होगी, लाइक पूरे ग्लोब की बात की थी. सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमने 2008 में जो सर्वे किया था, लाइक उसके अकॉर्डिंग देखा था कि कितने परसेंट डिजीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस हो रही है या लो विज़न है, देन कितने परसेंट रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से है. सो अब हम बात करते हैं इसके डिवाइस की, लाइक डिवाइस ऑफ लो विज़न एड में ऑप्टिकल डिवाइस एंड नॉन ऑप्टिकल डिवाइस. ऑप्टिकल डिवाइस मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, स्टैंडर्ड मैग्नीफायर, टेलीस्कोप, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी. नॉन ऑप्टिकल में अप्रोक्स, मैग्नीफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट, इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू वी व्यू. पर्सन आइटम, ऑडिटोरियम एड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो ये था हमारा सेकंड पार्ट. देन नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लो विज़न एड एक हमारी पूरा, अगर आप बैचलर में पढ़ोगे तो एक तरह का पूरा हमारा एक बुक है, लाइक एक पूरा सब्जेक्ट है. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे. सो ये हमारा सेकंड पार्ट था लो विज़न एड का. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो.